A very good morning and Jai Hind 12th class. How are you? I hope you are fine. And today is, that is 30 May, and I will discuss regarding to only your revision of measuring of national income, because I have already said in previous video, measuring of national income is very, very important. So students, today I am taking a very, very important or a flow chart of all these three concept. तीनों concept का एक ही. मैंने आप लोगों को बोला था national income को measure करने के लिए आपके पास रास्ते तीन हैं, but your मंजिल is same. So आज मैंने GDP MP का आपको concept लिया है, और by the help of this flow chart, I hope most of people understanding these concept in easily. And students, in board examination, I hope you people are aware, I am doing a checking of board examination. Step marking is very, very important. Suppose that examiner asking to you calculate GDP MP or calculate national income by the help of these component. It is clear to student. सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना होगा दैट पर्टिकुलर मेथड का. आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि विच मेथड अप्लाई इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं बताता आपको कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा. इट इज डिपेंड ऑन द डाटा. आपको डाटा आइडेंटिफाई करोगे, अगर उसमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें हैं लाइक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, एप्रिसिएशन, तो सब में हो सकता है. ऑटोमेटिकली यू पीपल अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू यूज एक्सपेंडिचर मेथड. ऑन द अदर हैंड, सपोज दैट इज इन अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, यू सी दैट डाटा जस्ट लाइक COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो may be or may not be. So students, in this situation you people put income method, and it is depend on the data. And last, if you see in question like value of output, sales, export, purchase of intermediate firm, purchase of other firm, change in stock, inventories, etc., you people have to use which method, value added or प्रोडक्शन मेथड. सो स्टूडेंट्स, इनिशियली आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि विच मेथड अप्लाई इन सोल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन. विच मेथड अप्लाई, इट इज डिपेंड ऑन द गिवन डाटा. देन आफ्टर सेकेंड थिंग, जैसे आपको समझ आता है कि सर हमें ये मेथड इसमें यूज करना है, देन आफ्टर यू हैव टू पुट फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन. जैसे आपने फॉर्मूला पुट किया, 1.5 marks आप लोगों के पक्के स्टूडेंट्स. फॉर्मूला एक है, क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, 3 formulae होंगे आपको, चाहे तो इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर का, तीनों फॉर्मूले अगर लर्न है आपको, तो 1.5 marks तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 1.5 पक्का है आपका. 1.5 और मे बी समटाइम 2 marks फॉर ओनली फॉर्मूला. देन आफ्टर नेक्स्ट 2 marks यू हैव टू पुट द समीशन ऑफ कंपोनेंट. फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन में से देख के कंपोनेंट को सेट करना है, 4 marks. और फिर सोल्विंग का या एड और माइनस का आपका 2 marks, यानी 6 marks का क्वेश्चन डिवाइड होता है 2 marks का या 1.5 का फॉर्मूला. देन आफ्टर वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला और आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम द क्वेश्चन, and then after solving the question. So students, I have summary of the 3 method. You can see measuring of national income of GDP MP. हम GDP MP calculate करेंगे by the help of production or value added method, by the help of income method, or by the help of expenditure method. In your economics, you have 3 method, production method, income method, and expenditure method. By the help of these 3 methods, we people calculate GDP MP. अब आप लोग ये देखिए आपको करना क्या होगा,
हमें क्या करना है, जीडीपी के लिए कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंटों को आइडेंटिफाई कर आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करनी है। सो इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। आप लोगों ने वेरी बिगनिंग आपको पढ़ा था इस चैप्टर के, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड आर सेम थिंग स्टूडेंट्स। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करोगे आप, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर। यू पीपल आर अवेयर ऑल्सो दैट इन इकोनॉमी देयर आर which how many sector, 3 sector, which 3 primary sector which are related to natural resources like farming, dairy etc, mining, जो भी nature से regarded हम production कर रहे हैं, this is known as primary sector. Second thing, net tertiary sector, secondary sector. Secondary sector is like manufacturing and last one is tertiary sector. So students, if we get value added in all firm or in all sector, then we can easily calculate value added. और कैसे calculate करेंगे, total output of primary sector लिया, total of output of primary sector minus क्या उसमें से जो primary sector ने उसमें purchase of other firm, that is inputs purchase किए हैं, seeds purchase किए होंगे, fertilizer purchase किए होंगे, उसको minus करते ही आपका net value added आ जाएगा at factor cost in primary sector. Same as net value added at second FC in secondary sector, आपको secondary sector का normally students हम लोग assume करते हैं secondary sector में जितना भी goods produce होता है उसको produce करने के लिए उसने inputs purchase किए होंगे primary sector से, तो इसका total output minus कर दोगे intermediate consumption और purchase of other firm, तो तुरंत क्या निकल जाएगा आपका value added. Next one is net value added at factor cost in tertiary sector. तो total production of tertiary sector service produce होती है और minus purchase of other firm, तीनों में आप ऐसे ही निकालोगे सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ अदर फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन और परचेज ऑफ अदर फर्म आर सेम थिंग। तीनों सेक्टर का आप लोगों ने वैल्यू एडेड निकाल लिया, देन आफ्टर तुरंत आप लोगों का इसमें आपने नेट वैल्यू एडेड निकला है तो तीनों का आपका जीडीपी एमपी बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा जीडीपी एमपी, देन आफ्टर सॉरी एनडीपी एमपी स्टूडेंट, सॉरी एनडीपी एमपी, व्हाई एनडीपी एमपी, बिकॉज हियर इज अ नेट वैल्यू, नेट वैल्यू है तो आपका एनडीपी एमपी बनेगा, बट एनडीपी एफसी एफसी सॉरी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एनडीपी एफसी, बिकॉज हियर इज नेट वैल्यू और हियर इज एफसी फैक्टर कॉस्ट, बट वी वांट टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी, सो जीडीपी एमपी को एनडीपी एफसी में, एनडीपी एफसी को जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करने के लिए नेट को ग्रोस में चेंज करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और एफसी को एमपी में चेंज करने के लिए प्लस कर देंगे एनआईटी, तो इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। सो स्टूडेंट यू कैन सी, आई एम रिपीट अगेन, नेट वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर प्लस नेट वैल्यू एडेड एट सेकेंडरी सेक्टर एट एफसी प्लस नेट वैल्यू एडेड एट एफसी फैक्टर कॉस्ट इन टेरिटरी सेक्टर प्लस कर देंगे उसमें इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर यहां तक का आप ऐड कर दो, यहां तक ऐड करोगे तो आपका बनेगा स्टूडेंट्स एनडीपी एफसी। सो एनडीपी एफसी को हमें जीडीपी एफसी में एमपी में कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, देन आफ्टर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड का मैं रिविजन करा रहा हूं आपको, जीडीपी एमपी वी हैव व्हाट टू कैलकुलेट द इनकम मेथड। इन इनकम मेथड कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, कंपोनेंट क्या है सबसे पहले सीओई, सीओई मीन्स कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, जो इसमें आप लोगों को इनकम देखना है, इसमें क्या देखा था आपने प्रोडक्शन, इसमें इनकम देखोगे और उसमें एक्सपेंडिचर, कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है उतनी इनकम जनरेट होती है, हाउ कैन, ये डिपेंड करता है आपके सर्कुलर फ्लो पे, कंट्री में प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के लिए किसकी नीड्स होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, और जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करना पड़ेगा फैक्टर पेमेंट, इट इज क्लियर, जितना प्रोडक्शन करेंगे रिक्वायरमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जितना फैक्टर प्रोडक्शन किया उतना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट, और पेमेंट क्या हुआ फैक्टर इनकम। सो स्टूडेंट प्रोडक्शन इक्वल किसके हो गया इनकम के, एंड जितना इनकम होगा उतना ही मार्केट में क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो तीनों थिंग्स सेम हो जाएंगे, यानी प्रोडक्शन इक्वल इनकम, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उतना ही फैक्टर पेमेंट देना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और फैक्टर पेमेंट क्या होता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट
वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज इनकम, और उसी सारे को अगर मार्केट में खर्च कर रहे हो तो दैट विल बी एक्सपेंडिचर मेथड. सो ऑल मेथड्स आर सेम इन कंट्री और इन इकोनॉमी. प्रोडक्शन इक्वल इनकम, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर, दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बन जाती है, सेम सर्कल में चलती रहती है. प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट, इनकम हुई एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बाद अगेन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद अगेन इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर, और ये सर्कुलर फ्लो आपकी इकोनॉमी में चलता रहता है. जो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, टूट गया है. क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही, इनकम जनरेट नहीं हो रही तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी में, आपकी जीडीपी गो डाउन, नीचे चली जाएगी. आ रहा है समझ में? आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप लोगों का बेटा प्रैक्टिकली बेस है, आप प्रैक्टिकल उसको ऐड करके देखो. इकोनॉमी में अब क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन बंद पड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस, लॉकडाउन हो रहा है कंट्री में, तो प्रोडक्शन यूनिट बंद है. जैसी प्रोडक्शन यूनिट बंद होगी तो प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो फैक्टर इनकम भी नहीं देगा, फैक्टर पेमेंट नहीं करेगा, तो कंट्री में लोगों की इनकम नहीं हो रही है. अगर लोगों की, वो बात अलग है स्टूडेंट्स की, गवर्नमेंट वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो गवर्नमेंट इनकम को दे रही है, बट वी आर एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स आप लोग इकोनॉमी में प्रोडक्शन को देखोगे. तो जैसी कंट्री में लॉकडाउन है, प्रोडक्शन यूनिट क्लोज, प्रोडक्शन यूनिट सब शट डाउन है. जैसी प्रोडक्शन यूनिट शट डाउन है तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो फैक्टर इनकम नहीं देगा, तो इट मींस प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन उसका रीजन क्या बना, उसका कोजिस हुआ कि इनकम जनरेट नहीं हुई, लोगों की इनकम जनरेट नहीं हुई. और थर्ड वन क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इनकम ही जनरेट नहीं होगी तो क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर भी मार्केट में नहीं कर रहे हैं. इट मींस आप लोग बोलोगे सर हम लोग तो कर रहे हैं, बट वो पुरानी सेविंग से कर रहे हो, पुरानी सेविंग है वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है. हम लोगों का इकोनॉमी का आप सर्कल देखो और उसको आप प्रैक्टिकली ऐड करके देखो. कंट्री में दोबारा लास्ट बार सुनो, कंट्री में प्रोडक्शन शटडाउन है, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन है, प्रोडक्शन बंद हुआ, लोगों की इनकम बंद हो गई. इनकम बंद क्यों हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन ही तो इनकम को लीड करता है, और इनकम बंद हो गई है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर भी बंद हो गए हैं. इसको जस्ट वर्स कर दो, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाया ड्यू टू इन फ्यूचर, तुरंत क्या बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सो इन शॉर्ट और इन कंक्लूड आई वॉन्ट टू से दैट इन कंट्री इन इकोनॉमी नेशनल इनकम इज सेम बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड. इनकम इज अ समीशन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ पेमेंट. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. यू आर अवेयर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच आर गेट वर्कर फ्रॉम देयर ओनर. और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मे बी इन डिफरेंट टाइप्स लाइक सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड इन काइंड. अगर कैश में होगी या काइंड में होगी तो आप उसको ऐड करोगे. कैश तो कैश ही होता है, बट काइंड में नॉन मॉनेटरी पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर टू देयर वर्कर, लाइक फ्री एकोमोडेशन हाउस, और लाइक फ्री एकोमोडेशन हाउस एंड फ्री ट्रेवलिंग and other benefits provided by the employer to the by the employees. It is clear to students. So compensation of employees, that is salary and wages, cash in kind, and social security scheme. Social security benefit scheme like company में workeron का insurance करा दिया, provident fund provide करा दिया, retirement pension etc. और these things COE. तो COE का भी बेटा तीन component हो गए हैं. एक होगा salary and wages cash में, दूसरा होगा salary and wages kind में, और last में होगा आप लोगों का social security scheme. उन तीनों को plus कर दोगे तो आपका बन जाएगा compensation of employees. और कभी कभी question paper में वो direct compensation of employees देगा, तो उस situation में हमें कुछ भी add करने की requirement नहीं होगी. नेक्स्ट वन ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ऑपरेटिंग सरप्लस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट. और ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या करते हैं आप, हम ऑपरेटिंग सरप्लस में डिवाइडेड होता है टू पार्ट में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. यू कैन सी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको मैंने पिक सेंड कर रखी है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी जो हमारी प्रॉपर्टी से इनकम आती है, तो प्रॉपर्टी से टू टाइप की इनकम आएगी, रेंट एंड रॉयल्टी.
और इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, किसी भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर हमें रेंट मिला, आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बैंकों में उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, और आपने अपनी फ्रेंचाइजीज दे रखी है उस पर आपको रॉयल्टी मिल जाती है। तो इट इज ए ऑपरेटिंग सरप्लस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, यू कैन मेंशन हियर रेंट के साथ रॉयल्टी चलता है, तो यहां पर रेंट और इंटरेस्ट ही मेंशन है, रॉयल्टी भी आप इसको ऐड कर सकते हो। रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, दिस इज अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट थिंग्स इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम क्या होती है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, मे बी इट इज डिपेंड ऑन द डाटा, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, लेकिन प्रॉफिट भी हो सकता है आपका किस किस स्पेस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स, अगर ये गिवन है तो स्टूडेंट्स आपको इन तीनों को ऐड करना होगा, इन तीनों को ऐड करके आप इजिली प्रॉफिट बना लोगे, किस किस को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, ये सब प्रॉफिट का पार्ट ही होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, रिटेन्ड अर्निंग जो प्रोड्यूसर फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंस करने के लिए रिटेन्ड में रखता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो उसने अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। सो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपने इजिली बना लिया, सैलरी वेजेस एंड कैश एंड काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, देन ऑपरेटिंग सरप्लस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज प्रॉफिट इज डिवाइडेड आल्सो टू और थ्री पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट व्हेन यू people add these things, we have to add mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed life एक ऐसी income जो identify नहीं हो पाती है, और वो एक ऐसी income होती है students जो identify नहीं होती mixed income of self-employed में, self-employed की income होती है जिसको identify नहीं कर सकते। For example, self small scale manufacturer है, उसने अपने ही फैक्ट्री में, अपने ही ऑफिस में, अपने ही फार्म में अपनी लेबर लगा रखी है, अपनी कैपिटल लगा रखी है, अपनी गाड़ी लगा रखी है, तो उस सिचुएशन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि रेंट किसको देना है, वेजिस किसको देना है, इंटरेस्ट किसको देना है, उस सबको हम मिक्स इनकम में काउंट करते हैं। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, लाइक फार्मर, उसने अपने फैमिली मेंबर वहां पर लगा रखे हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इंडिया जैसी कंट्री में स्टूडेंट, इंडिया जैसी कंट्री में मिक्स इनकम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, वहां पर मिक्स इनकम ना बहुत कम मिलती है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो हर एक फार्म में बहुत सारी मिक्स इनकम मिल जाती है, फैमिली वर्कर्स वहां पे वर्क करते हैं, फैमिली लेबर वहां पे वर्क करती है, फैमिली की खुद की लैंड वहां पे यूज हो जाती है रेंट के लिए, उसको नहीं देनी पड़ती, और फैमिली का ही कैपिटल भी यूज हो जाता है जिसपे उसको इंटरेस्ट नहीं देना होता है, तो मिक्स इनकम हम इसमें ऐड करते हैं। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्री कंसेप्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको भूल जाइए, अभी हम जीडीपी एमपी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इनकम मेथड से, इनकम मेथड से आपका फॉर्मूला ये है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम, इन थ्री चीजों को ऐड करके हमारा बनता है एनडीपी एफसी। बट टुडे इज वी वांट टू गेट जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी बनाने के लिए इजी स्टूडेंट, एनडीपीएफसी में पहले एन को जी में कन्वर्ट करो, एन को जी में कन्वर्ट किया क्या बन गया, डेप्रिसिएशन ऐड किया, नेट टू ग्रोस, सो और नेट लास्ट एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी बना, देन आफ्टर जीडीपीएफसी को आपने जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड कर दिया, यानी एनआईटी, एनआईटी ऐड किया, तो आप इसका ये आप लोगों को इजिली अंडरस्टैंड है फॉर्मूला, तो यही है आपका, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्या बना आपका, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम दैट इज एनडीपीएफसी, यहां पे लिखो शॉर्ट में एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। तो एनडीपीएफसी से आपको जीडीपीएफसी बनाने के लिए टू कंपोनेंट और आल्सो आपको ऐड करने होंगे डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर मेथड, जो आप लोगों ने कल ही पढ़ा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी
सिंपल मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में आप लोगों को फोर कंपोनेंट गिवन होंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एमपी बनता है। सबसे पहले आप लोग ऐड करोगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइवेट पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज सी। दिस इज हाउसहोल्ड सेक्टर। और स्टूडेंट्स ये कभी भी घुमा के नहीं आता, साफ लिखा होता है कंजप्शन ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर आएगा या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज आएगा। इसको आप डिनोट करोगे किससे, जी से, प्लस जी, ये शॉर्ट में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सी प्लस जी प्लस आई। आई थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आएगा कि या तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ पुट इन द एग्जाम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स वी हैव टू एड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को आपको उसमें एड करना होगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सो चेंज इन स्टॉक और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एड करके बनता है आपका इन्वेस्टमेंट। इट इज क्लियर? एंड इन्वेस्टमेंट के बाद आप लोग क्या करोगे, इसमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आई प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट इज आल्सो आपको एड करना होगा, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट जीडीपी एमपी। सो स्टूडेंट्स सी प्लस जी प्लस आई एंड प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। सो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को सिंपल है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज नोन एज सी, दिस इज अ हाउसहोल्ड सेक्टर, नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिस इज जी, इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, एंड ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज अ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक्सपेंडिचर करता है और इसको बोलते हैं आप ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूँ यही प्रॉब्लम करेगा, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और कोई इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। वहां पर अगर एनडीसीएफ मिला है आपको, एनडीसीएफ मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, अदरवाइज आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट ना करकर एनडीपी एमपी कैलकुलेट करोगे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? देन आफ्टर अगर आप लोगों को जीडी एफसीएफ मिला है, जीडी एफसीएफ मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स फिक्स वर्ड को देखते ही आप लोगों को उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तुरंत ही आई बन जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट तो कभी प्रॉब्लम करता ही नहीं है, वो दो ही फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको मिलेगा सिंपल नेट एक्सपोर्ट तो आप उसको ऐड कर दोगे, या आपको अलग अलग मिलेगा, एक्सपोर्ट भी गिवन होगा और इम्पोर्ट भी गिवन होगा। आप लोग एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करोगे, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? देन आफ्टर यहाँ पे लिख दो इसका फॉर्मूला, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, क्लियर? यहां पे ऐसे लिखता हूं, मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था आपका क्या, ये लो जी डी पी MP इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? यू कैन सी these three methods for measuring a national income, which is very very important, and today is your last class, so this is only revision of all three methods measuring of national income, which is a very very important. There are three methods: production method, income method and expenditure method. I hope aap logo ko bahut acche se clear honge, production method bhi, income method aur expenditure method. Now I want
टू एक्सप्लेन वन क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, इसके भी बहुत किया आपने, इसके किए एक्सपेंडिचर मेथड के कम किए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर मेथड का करें दे, इसको रफ कर दो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर कॉपी। एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं और उसके लिए मैं आप लोगों की वीडियो पॉज करता हूं, देन आफ्टर स्टूडेंट्स यू हैव सी बेटा दिस इज अ क्वेश्चन एंड हियर इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड बिकॉज हियर इज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन इजिली फाइंड दैट दिस क्वेश्चन विल सोल्व बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सो इनिशियली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इन एक्सपेंडिचर मेथड जी क्या निकलता है, पहले जीडीपी एमपी इज इक्वल टू व्हाट विल बी डू, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख दू पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चलिए लिख लेता हूं पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड स्टूडेंट यू कैन सी हेयर इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, प्लस ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, आई हैव पुट हियर शॉर्ट ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, प्लस लास्ट वन इज ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, हियर ग्रोस बिजनेस, आई वांट टू सी इसको सारे को लिख देता हूं शॉर्ट में, यू कैन सी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट इज आईआई से मैंने डिनोट किया विच इज ए फर्स्ट पॉइंट, क्लियर, ये भी मैंने मेंशन कर दिया, प्लस ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन फिफ्थ पॉइंट, यानी फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा विच ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस विच पॉइंट, सेवन पॉइंट ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, सेवन पॉइंट ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इट इज क्लियर टू स्टूडेंट, प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच पॉइंट, दिस इज सिक्स एंड प्लस एक्स माइनस एम, दिस इज अ फॉर्मूला आप लोगों ने बना लिया, सिंपल है वही, दिस इज सी और दिस इज आई, दिस इज जी और दिस इज एक्स माइनस एम, बिकॉज जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट उसने क्या है कि सी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी दे रखा है, पॉइंट नंबर फोर्थ पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देन आफ्टर आई, आई ग्रोस इन्वेस्टमेंट उसने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप लोगों को तीनों पार्ट को ऐड करके ग्रोस इन्वेस्टमेंट बना लोगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट और सिक्स, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, प्लस जी, जी इज गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, इट मींस एक्सपेंडिचर किया है, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, नाउ वी आर एबल टू पुट द वैल्यू पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज फोर्थ पॉइंट दैट इज 450 प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट दैट इज 20 प्लस फिफ्थ पॉइंट दैट इज 40 प्लस सेवंथ पॉइंट दैट इज 80, इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, प्लस गवर्नमेंट का सिक्स पॉइंट दिस इज 150 प्लस
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट इज 30 एंड इंपोर्ट इज माइनस 15. सोल्व दिस इक्वेशन. 450 एज इट इज रखो पहले, प्लस इसको ऐड करो 80, 40 और 60, 80, 60 by 80 और 20, 100, 140. क्लियर? प्लस 150 माइनस, यहां पर सॉरी प्लस का बचेगा 15. नाउ ऐड दिस वैल्यू 450, पहले 100 की वैल्यू लो, 400, 500, 600. क्लियर? 600, 50 और 40, 690, 700, 40, 755 रुपीस इन करोड़. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? Yes, clear. Then after we want to calculate, we have to calculate GNPMP. For GNPMP, you can easily calculate by the help of GDPMP. Kya karenge students? What is the difference between GDPMP and GNPMP? Only NFIA. The plus kar denge because it is domestic income and we want to calculate national income. Plus NFIA. So you can see put the value GDPMP ke abhi aapne calculate kiya 755 एन एफ आई ए उसने जरूर गिवन किया होगा. वेर इज एन एफ आई ए? यस, हियर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज इन माइनस 15. सो स्टूडेंट्स प्लस करके आप लोग माइनस में वैल्यू ऐड करोगे एंड प्लस माइनस इज माइनस. सो इट इज 755 माइनस 15 और इट विल बी विच 740 रुपीज इन करोड़. Clear? I want to see in your question. Yes, 740 crore. It is right. Answer 740 crore. I hope it is clear to student. Very simple. You can use only this formula C plus I plus G plus X minus M. And here is C, personal private consumption expenditure. And I, इसने देखो मैंने आपको बोला बस थोड़ा आई में उसने दिया कि आई को उसने ग्रोस इन्वेस्टमेंट को पार्ट में दे दिया. Inventory investment is it is also part of investment. Gross residential construction investment, it is also part of investment. And gross business fix investment, it is also part of investment. Then plus आपका G आता है. G is यहाँ पर उसने दिया government purchase of goods and services. जब भी government goods and services purchase करती है तो it is a final expenditure by the government. और last one आपका export minus import होता है, which is given in separate. Here is 15 crore import and 30 crore is export. Put the value and then after calculate easily. Calculate किया हमने GDPMP, but in question examiner asking GNPMP. So by the help of GDPMP we can easily find GNPMP. GDPMP में से आपने NFIA ऐड किया तो GNPMP आ गया आपका. So students, I think you people are easily understand these things. So sufficient for today's. Your three chapter has completed with revision of the measuring of national income. यही सबसे ज्यादा important है. Now thank you so much. If you people have any problem in economics, so you people are free. Students, you can call me whatever time and कभी भी आप maybe अगर मैं नहीं pick करता तो बेटा call back जरूर करूंगा. You can message also. It is clear to student. Thank you so much.